मेन पर्पस तो यही है, नजर उतारना। मंदिर को काफी मानते हैं, इन दोनों का बार्गेनिंग चल रहा है, खुशी का माहौल यहाँ पे, ऐसे करके मैं छील सकते हैं। तो हेलो गुड मॉर्निंग और आप सबको स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो एज यूजुअल सुबह दोबारा वही कोहरे के साथ ही स्टार्ट हुआ, ठंडा है तब भी जग के व्लॉग स्टार्ट कर लिया बाहर निकल के। अंदर इतना लाइट वाइट नहीं आ रहा था और रूम के लाइट में इतना फील नहीं आ रहा था, मैं बोला उजाले में चलते हैं, ठंडा ही सही लेकिन मस्त व्यू आता है, हरा हरा पूरा दिख रहा है ना। तो आज का ऐसा सीन है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कालू साई मंदिर, शनि महाराज का मंदिर है बेसिकली वो। तो वहाँ पे कुछ खिचड़ी विचड़ी को चढ़ाना होता है, मम्मी बोल रही थी, तो वो जो भी है उनको पता है, ठीक है। और मेरे को अपने बाइक का पूजा कराना, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इस बाइक के साथ कुछ ना कुछ कांड होते रहता। अब नया कांड क्या बताता हूँ, देखो कल इतना बाइक चलाया कुछ ध्यान में नहीं है, आज ध्यान में आ रहा है ब्रश करते हुए कि भैया यहाँ का तो नंबर प्लेट ही गिर गया। अब नंबर प्लेट ही नहीं है बैक साइड का, पता नहीं ढीला था कि क्या था, लेकिन कल कहीं गिर गया। अब रास्ते में जब जा रहा हूँ तब थोड़ा थोड़ा देखते हुए जाऊंगा कि हाँ भाई रास्ते में मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर नया बनवाना पड़ेगा वो भी। इसलिए इसका नजर उतारना बहुत जरूरी है, मेन पर्पज तो यही है नजर उतारना, बाकी सब तो सेकेंडरी चीज होगी। तो पहले अभी नहा लेता हूँ। तो अभी नहा धोकर तो हो गया, शर्ट शर्ट के ऊपर जस्ट मैंने एक जैकेट पहन लिया और नीचे तो लोअर है, कुछ जींस पहन के जाने का मन नहीं किया, बाहर ठंड है तो फिर दो दो चीज पहनने में बेटर है भैया, नहीं तो बाइक चलाते हुए बहुत ठंड लग जाता है। तो अभी मम्मी कॉफी गर्म कर रही कि मैं नहा रहा था तो कॉफी ठंडा हो जाता है, हो गया गर्म कॉफी दे दो भैया, जल गया। और एक तो पता नहीं कैसे सोया रात को, ये साइड का गला थोड़ा अकड़ा अकड़ा सा लग रहा है, और जैसे मैंने बोला ना कि मेरा पीछे का नंबर प्लेट गिर गया है, तो पापा मम्मी को भी बताया, तो पापा निकल के रास्ते पर ढूंढने के लिए कि नंबर प्लेट गिरा था, क्योंकि कल मैं ज्यादा घूमने तो कहीं निकला नहीं था और उन्होंने ढूंढी निकाला। निकल गोबर का खाद नहीं दिखाया था, किसी को मिल गया तो वहीं रख दिया, बोला गोबर का खाद। चलो बढ़िया, जरा दूर नहीं गिरा था, आजू बाजू गिरा था, तो ठीक है ये नंबर प्लेट को भी बैग में लेके जाऊंगा। हमारा एक अंकल है जिनके चाचा का गैरेज है, तो वहाँ जाके फिर ये लगवा लूंगा वापस आते समय, ये एक बेटर सीन हो गया। नहीं तो मैं अभी बाइक चलाते हुए जाता तो रास्ते में ढूंढता रहता कि नंबर प्लेट गिरा, दिन इतना बुरा भी नहीं जा रहा जितना सोचा था। अब चल दिए हैं कालू साई मंदिर की ओर। एक्चुअली मैं पहले क्या प्लान था कि मम्मी और पापा ही जाएंगे, मैं नहीं जा रहा था, ठीक है। फिर मैं ब्रश करने निकला, फिर मैं अपने बाइक की तरफ देखा तो देखा नंबर प्लेट गायब, तब मेरे को लगा कि भाई नहीं यार, अपने धनों का नजर उतारना बहुत जरूरी है, अब तो मैं भी जाएगा। वैसे नंबर प्लेट गुम हुआ तो भैया अपनी एक बार को फट गई, पहले लगा कि भाई कुछ तोड़ दिया क्या, फिर देखा नहीं गिर गया, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि भैया अब तो आरटीओ ऑफिस का चक्कर भी काटना पड़ेगा, वो तो भाई लकीली बिगड़ा हुआ काम बन गया। तो अभी हम लोग जो कालू साई मंदिर में जा रहे हैं ना, तो उसका ऐसा सीन है, उसको एकदम बीच चौराहे तो नहीं बोल सकते, तिनाली पे बना रखा है एकदम, ठीक है। और बहुत भीड़ होता है वहाँ, बहुत भीड़, उस चक्कर में क्या होता है ट्रैफिक जाम भी बहुत होता है। चलिए मेरे को तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने मम्मी को पूछा कि भाई ऐसा क्यों बना रखा है, ये तो एकदम गलत जगह नहीं है। और फिर मम्मी बताई कि ऐसा सीन नहीं है, पहले वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, मतलब हद एक्सीडेंट। तो वहाँ पे जब से वो कालू साई मंदिर मतलब शनि महाराज का मंदिर बनाना, उसके बाद से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का रेट काफी ड्रास्टिक वे में चेंज हो गया, काफी कम हो गया। तो इस चक्कर में उस मंदिर को काफी मानते हैं, तो इसलिए वहाँ रखा है मैं उसको हिलाते नहीं, भले ही रोड के साथ कुछ ना कुछ खेल ले, कुछ ही कर ले, वो वहीं का वहीं रहता हमेशा। तो इसलिए गाड़ी वाड़ी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ या कुछ भी अगर बैड लग होता है किसी का, तो सीधा वहाँ पहुँच जाते कि लो भैया पूजा करा देते हैं एक बार। यहाँ आ गए हम कालू साई मंदिर, ये आ गई है, अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करना है अपना। अब तो पार्किंग स्पॉट ढूंढने में यहाँ जान जाती है भाई, दूसरा ले भैया भगा रहे सबको, बोले पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर, पक जाओ। देख रहे हो भीड़ कितना है, बोला था ना एकदम चौराहे पे होता है एकदम भीड़, लोग अंदर घुसने के लिए लाइन लगा दिए भाई, बताओ। कोई ना संक्रांत वक्रांत का सबको चढ़ाना होता है चढ़ावा, तो उस चक्कर में लोग आ गए। लो भैया कैसे कैसे करके जगह मिल गया अपने को, अपन ने बाइक कर दिया और ये मंदिर पहुंच गए हम लोग। ये देखो सीन ऐसा हो रखा है, और मम्मी यहाँ पे सारा अपना पूजा का माल मसाला ले लिए, ले लो ले लो। ऐसे में तो लग रहा है भगवान से मिलने के लिए भी डोनेशन देना पड़ेगा, पंडित को बोले भैया ये लो 50 रुपये एक्स्ट्रा आगे जाने दो, वही सीन लग रहा है। तो अभी मम्मी अंदर चली गई पूजा करने के लिए और पंडित जी को बुलाने के लिए कि गाड़ी आया है, गाड़ी का पूजा कर दो। मैं और पापा दूर से हाथ जोड़ के मंदिर के बाहर ही खड़े, इतना भीड़ देख के जाने का हिम्मत नहीं हुआ। और थोड़ी देर पहले याद है कि भाई मास्क भी तो पहनना है, खुले में बैठा हूँ मैं, हेलमेट के अंदर तो पता नहीं लग रहा, तो अभी निकाल के पहन लिया। पुलिस घूम रही है ना, डर लगा कि चलान ना काट दे, मैंने कहा ठीक है पहन लो। फाइनली भाई पंडित जी आ गए, पंडित जी गलत गाड़ी की तरफ क्यों जा रहे हैं, अच्छा और एक गाड़ी है उनके पहले आए होंगे, पंडित जी का भी नंबर लग रहा है ना, पहले वहाँ पूजा होगा उनका गाड़ी का, फिर अपने गाड़ी का। भैया आगे भाई अपने गाड़ी का पूजा करने के लिए, भाई इसका नज़र उतर जाए सारा का सारा पंडित जी, बहुत किस्मत खराब कर रहे हैं गाड़ी का। तो भाई पूजा वूजा तो हो गया, अपने को टिका वेगा भी लग गया, और जैसे अपने पूजा खत्म हुआ दूसरा एक कोई आदमी आया, वो बोला कि चलो भैया अपने भी बाइक का पूजा कर दो। तो पंडित जी को एक बाइक का पूजा करके खत्म नहीं होता, दूसरे बाइक के लिए आदमी पकड़ लेता, इन दोनों का बार्गेनिंग चल रहा। तो वो बोल रहे बाइक लेके, वो बोला तुम चल लो, ये सीन चलता रहता मंदिरों में, अपना काम हो गया एट द एंड।
तो अभी जस्ट आए मंदिर से वापस। एक्चुअली मैं जब वापस आ रहा था मेट में जो कैमरा लगा हुआ उससे मोटो व्लॉग करने का ट्राई किया, लेकिन उसका आई गेस माइक का बैटरी खत्म हो गया, तो वो बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, कभी कर रहा था कभी नहीं कर रहा था, कभी कर रहा था कभी नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने लास्ट में बंद ही कर दिया उसको। ठीक है, और फिर आते हुए बीच से समोसा भी लेके आ गए और गैरेज बंद था, तो बाइक वाला काम भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है, नंबर प्लेट इंपॉर्टेंट था, वो मिल गया था मेरे को। तो आते हुए समोसा लेके आए गगन स्वीट से, गरम गरम एकदम तल रहा था, मैंने बोला आठ निकाल भाई। तो हमने देखा कि धूप निकला हुआ है, तो हमने सोचा कि भाई फिर अंदर बैठ के ठंड में क्यों खाना, जब तक धूप निकला हुआ सेको बदन को गरम करो। तो मैं तीन समोसा लेके आ गया, मम्मी के हिस्से में तीन समोसा, और पापा ने बोला कि भाई उनको समोसा नहीं खाना, तो उनके लिए मैगी बन रहा था, दो समोसा एक्स्ट्रा बच गया। और मम्मी अपना चटनी वटनी खोल रही थी, और मैं अपना सॉस का दो पैकेट लेके आया, ऐसा वाला सॉस और भी है इसमें, ये थैला भर के सॉस उसका जमा किया हुआ, पिज्जा जब मंगाते तो नहीं आता भर भर के, तो वो सब जमा कर करा के इतना हो गया, इसके अंदर ओरिगैनो चिली फ्लेक्स सब है। और हम लोग बैठे हैं अपने अपने बक्से पे, एक वहाँ एक यहाँ, वो देखो अभी भी हल्का हल्का कोहरा ऊपर हटने लग गया पहाड़ में, हट जाएगा थोड़ी देर में, फिर शाम के चार पाँच बजे तक दोबारा आ जाएगा। ये देखो ये अलग कंपनी का सॉस है, ये अलग कंपनी का सॉस है, कलर से पता लग रहा है ये हाई क्वालिटी का लग रहा है ये लो क्वालिटी का लग रहा है। कोई नहीं, पचाया हुआ सॉस ऐसा ही होता है, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। और यहाँ समोसा खाते हुए समोसा में से निकला है पनीर, सात रुपए के समोसे में इतना टुकड़ा पनीर, भाई साहब बताओ खुशी का माहौल यहाँ पे है। अब अंदर और हो सकते हैं, मम्मी अपने समोसे में ढूंढो भाई, गगन स्वीट के समोसे में पनीर निकलता है, चेक करना, हर कोई जाना एक एक समोसा लेना, जिसके समोसे में से पनीर निकला उसका दिन अच्छा जाएगा। मैं पूजा करके आया ना इसलिए पनीर निकला, नहीं तो नहीं निकलने वाला था। मम्मी का मम्मी निकल गया, बड़ा पीस निकल, हम सबके समोसे में से पनीर निकल रहा है, हम पूजा करके आया ना, तो हमारा पूजा सक्सेसफुल हुआ भाई आज। A few moments later. तो वहाँ पे जब पूजा करने गए थे तो मम्मी ने कुछ नारियल खरीदा था, मतलब कुछ नहीं एक ही खरीदा था, तब उसको छिलने जा रहे हैं, फिर फोड़ेंगे ऊपर, मम्मी आ रही है पीछे पीछे गिलास लेके, और मैं आगे आगे चल रहा है औजार लेके नारियल, और ये आज मैं करेगा छिलम छिल नारियल का, मैं सब में एक्सपर्ट आदमी है, सब कर लेता मैं, भले चीज खत्म ना हो मतलब स्टार्ट तो कर देता मैं। तो ठीक है, अब छत पे आ गया, अब नारियल यहाँ छिला जाए, रुको मम्मी को देता पड़ेगा कैमरा। मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पे इसको फोड़ने नहीं दिया, पंडित ने मना कर बोल रहा था अभी यहाँ टाइम नहीं है, हो जाएगा पूजा करते तुम घर ले जाके फोड़ने बोला। अब देखना एक्सपर्ट अपना काम करेगा, उंगली बचाएगा ना एक्सपर्ट। अब यहाँ से अगर हाथों में ज्यादा जाना है ऐसे करके मैं छील सकता हूँ, लेकिन मेरे में नहीं है क्योंकि अब मत छील के दिया। ये गिलास तो अब इस पर छेद किया जाएगा और इसका पानी यहाँ निकाला जाएगा, देखो मत छेद कर दिया ना, नारियल कितना है जो पानी आया कितना आएगा, खत्म हो गया, पीली 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 खत्म हो गया, क्या पीले इतना ही था, अब तो फोड़ा जाए, इसमें मार के फटेगा तो अब क्या करेंगे, जो हमने घुघुता बनाया था ना वो सब किसी को बांटा नहीं था, घुघुता और खजूर। तो हमने क्या सोचा था कि आज मंदिर जाएंगे, जब शनि महाराज के वहाँ जाते तो वहाँ गुड़ कुछ कुछ चढ़ाते तो वो देते वापस ना, और ये नारियल वारियल जो भी होता है सब कुछ को मिला जुला के सबको बांटा जाएगा, तो इसलिए अभी जाके इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और अलग अलग पोटली बनाएंगे जो कि सबको बांटा जाएगा। सब ये सब पैक किया जाएगा, इसी दिन के लिए न्यूज पेपर काम आता है, तो ये अभी नारियल ऊपर से फाड़ के लाया, तो अभी छोटा छोटा काट दिया इसको, ये रेवड़ी और ये और थोड़ा सा गुड़, इस गुड़ को भी छोटा छोटा काटना पड़ेगा, तो इसको पैक किया जाएगा, तो इसको छोटा छोटा फाड़ देते हैं। और ये सब पैक करने के बाद बांटने वाला कौन, मम्मी, उसके बाद थोड़ा सा ये छिड़को, उसके बाद ये मुट्ठी भर गया बस, और थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा फूल, ये डाल दो, ये हो गया तैयार भैया अपना पहला, ये मैंने कर दिया, और बाकी सब भी ऐसे ही पैक होगा, जो जो देख रहे हैं उनको मिल जाएगा, जिनको नहीं मिल पाया नहीं मिल पाया, ठीक है तुम बहुत दूर रहते हो, तुम बहुत दूर रहते हो, तुम्हारा घर बहुत दूर है हमारे रीच के बाहर, हमारे दो टांग चल चल के वहां तक नहीं पहुंचे। तो फिर प्रसाद तो सब जगह बांट दिया, तो उसके बाद फिर मम्मी खाना वाना खा के सो गई, मैं अपना एडिट करके अभी जस्ट उठा, फिर कॉफी वॉफी लगे, अभी छत पे आया, और छत पे ये देखो कवे के लिए जो अपना हमने रखा था ना घुघुती उगुती वो सब खा लिया उसने, इतना ही बचा माल मसाला, कवे का भी पेट भर गया होगा हर जगह घूमते घूमते खाते खाते, तो इतना छोड़ दिया उसने। तो फिर ठीक है आज का वीडियो इतना रखता, इस एक कप ऑफ कॉफी के चुस्के के साथ वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और भाई चैनल को सपोर्ट करो, 1K के पास पास पहुंच रहे हैं हम लोग, 750 सब्सक्राइबर्स हो गए अभी, बस 250 के अराउंड और बचे हैं, तो पुश करो भाई।